1969, माला का मन का बनने के लिए विजयी बनो। बाप दादा कौन सा परिवर्तन देखने चाहते हैं? बाप दादा परिवर्तन के साथ परिपक्वता भी देखना चाहते हैं। बाप को अविनाशी सत्य बोलते हो ना, तो ऐसे ही बाप के साथ अविनाशी परिवर्तन लाया है। जो खजाना मिलता है वह भी अविनाशी है, जो प्रारब्ध मिलती है वह भी अविनाशी है, तो परिवर्तन भी अविनाशी लाया है। वह सोचते हो कि जाने के बाद मालूम पड़ेगा, न मालूम कौन सी परिस्थितियाँ आए, न मालूम परिपक्व रह सके व नहीं। वायदा तो करके जाते हैं, लेकिन कहाँ तक निभा सकते हैं वह देखेंगे। एक तो यह सोचते हैं, फिर दूसरे है निश्चय बुद्धि, जिन्हों का बाप के साथ अपने में भी पूरा निश्चय है कि जो परिवर्तन लाया है वह सदा कायम रखेंगे, और जो वायदा करके जाते हो वह करके दिखाएंगे, वह है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। और कोई तो बेचारे हिम्मत धारण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक अगर ऐसे ही करते चलेंगे तो अंत तक भी क्या कोशिश करते रहेंगे? ऐसे पुरुषार्थी को झाटकू कहेंगे। देवियों पर बलि चढ़ते हैं तो शक्तियाँ व देवियाँ ही बिगर झाटकू स्वीकार नहीं करती है, तो क्या बाप दादा ऐसे को स्वीकार कर सकता है? अगर यह स्वीकार न किया तो स्वर्ग में ऊंच पद की स्वीकृति नहीं मिलेगी। इसलिए सुनाया था कि जो सोचना है वही कहना है, जो कहना है वही करना है। सोचना, कहना, करना तीनों ही एक होना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय कई ऐसे बच्चे हैं जो सोचते बहुत है, कहते भी बहुत है, लेकिन करने के समय कम रह जाते हैं। इसलिए कहा था इस भट्टी में पक्का कर जाना, अर्थात पक्का वायदा करके जाना है। पहले तो वायदा करने लिए हिम्मत है कि हिम्मत धारण करेंगे। जो हिम्मतवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या है? वह कभी हार नहीं खाते। अगर आप सभी हिम्मतवान हैं तो जरूर आज से कभी हारेंगे नहीं। बहुत समय से जो विजयी बनते हैं वही विजयी माला का मन का बनते हैं। अगर विजयी माला में पिरोने चाहते हैं तो विजयी बनने का परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिवर्तन में मुख्य मुख्य बातें चेक करनी है। एक तो आकर्षण मूर्ति बनना है और दूसरा हर्षित मुख। आकर्षण करने वाला है रूह। रूहानी स्थिति में ही एक दो को आकर्षण कर सकेंगे। अगर यह दोनों बातें अपने में धारण कर ली तो संपूर्ण विजय है ही। निश्चय बुद्धि तो हो तब तो यहाँ आए हो। बाप में निश्चय है, ज्ञान में भी निश्चय है, लेकिन अपने में निश्चय कहाँ कहाँ डगमगा देता है। मुख्य कमी यह है जो कंट्रोलिंग पावर नहीं है। यह न होने कारण समझते हुए, सोचते हुए, अपने को महसूस करते हुए फिर भी वही बात कर लेते हैं। इसका कारण कि कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। मनसा में, वाचा में और कर्मणा में भी, और साथ साथ लौकिक संबंधियों अथवा दैवी परिवार के संबंध में आने में भी, कहाँ तक क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, और जो नहीं करना है उसको कंट्रोल करना, यही पूरी पावर न होने कारण
सफल नहीं होते हो। कंट्रोलिंग पावर की कमी कैसे मिटावेंगे? पतंग कभी उड़ाई है? पतंग को कंट्रोल करने और ऊंचा उड़ाने लिए क्या किया जाता है? यह भी ऐसे है, अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता है। सभी से हल्की क्या चीज़ होती है? आत्मा अर्थात बिंदी। तो जब अपने को कंट्रोल करना हो तो अपने को बिल्कुल हल्का बिंदु रूप में स्थित करना है। कंट्रोल करने लिए फुल स्टॉप करना होता है, तो आप भी बिंदी लगा दो। जो बीत चुका उसको बिल्कुल भूल जाओ। देखा, किया, लेकिन फिर एकदम उसको समाप्त कर दो। समाप्त करना अर्थात बिंदी फुल स्टॉप करना। कॉमा लगाने आती है या क्वेश्चन करने भी आता है? अजब की निशानी, भी लगाने आती है लेकिन फुल स्टॉप लगाना नहीं आता है। कागज़ पर निशानियाँ लगाना तो सहज है, लेकिन अपने कर्मों के ऊपर यह निशानियाँ लगाना इसमें मुश्किल क्यों? कागज़ पर जो निशानी जहाँ लगानी है वहाँ ही लगती है। इसको कहा जाता है प्रवीण। अगर कॉमा के बदली कोई फुल स्टॉप लिख दे तो प्रवीण नहीं कहा जाएगा। जहाँ क्वेश्चन करना है वहाँ क्वेश्चन न करे तो भी प्रवीण नहीं कहेंगे। यहाँ भी क्वेश्चन किस बात में, अजब किस बात में, फुल स्टॉप किस बात में देना है, यह पूरी पहचान न होने कारण प्रवीण नहीं बनते हैं। कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि उस समय ज्ञान का पेट्रोल कम हो जाता है। अगर ज्ञान का पेट्रोल है तो कंट्रोल है, इसलिए अपने बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल को जमा रखो। माइनस और प्लस का हिसाब सीखे हो और बैलेंस निकालना भी सीखे हो? ऐसे तो नहीं सिर्फ जोड़ किया, कट किया, लेकिन जमा करना भी सीखो। अगर जमा नहीं होगा तो ना औरों को दे सकेंगे, ना अपने को आगे बढ़ा सकेंगे। जमा किया जाता है दूसरों को देने के लिए, अपनी आवश्यकता के समय काम में लाने के लिए। तो यह भी देखना है कितना जमा किया है। सिर्फ कमाना और खाना खाना है वह जमा भी होता है। 25% जमा तो बहुत कम है। अगर 25% जमा किया है तो अभी के हिसाब से बाप दादा भी कौन सी जिम्मेवारी देंगे? यहाँ से जास्ती याद कितने दिनों में करेंगे? तीव्र पुरुषार्थी कभी विनाश की डेट का नहीं सोचते। बहुत समय से अगर संपूर्णता के संस्कार होंगे तो अंत में भी संपूर्ण हो सकेंगे। अगर अंत में बनेंगे तो फिर बाप दादा भी अंत में थोड़ा दे देंगे। जो अभी करते हैं उनको बाप दादा भी सत्युग के आरंभ में कहते आओ। बाप दादा तो हर एक रत्न में उम्मीद रखते हैं कि यह अनेकों को उम्मीदवार बनाएंगे। जो अनेकों के उम्मीदवार है वह अपने लिए फिर अंत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? कोई भी चीज़ को मजबूत करना होता है तो क्या किया जाता है? फाउंडेशन मजबूत रखने के लिए घेराव की आवश्यकता होती है। जितना जितना घेराव में जाएंगे इतना मजबूती होगी। ऊपर ऊपर से नींव लगाने से मजबूती नहीं होती। जितना गहराई से ज्ञान को धारण किया होगा उतना ही अपनी मजबूती लाई होगी। सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब प्रैक्टिकल में रिजल्ट आउट होगी। ऐसे नहीं समझना कि भट्टी समाप्त हुई, लेकिन आरंभ हुई है। अभी सुनना हुआ फिर करना है, करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। जैसे एकता में नंबर वन है वैसे एकांत में भी नंबर वन आना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने कारण एक ही की याद में रह सकता। अनेक के प्रिय होने के कारण एक ही याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है।
नहीं तो एकांत में बैठने का प्रयत्न करते हुए भी अनेक तरफ बुद्धि भटकेगी, एकांत का आनंद अनुभव कर नहीं सकेंगे। सर्व संबंध सर्व रसनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है, लेकिन जो एक द्वारा सर्व रसनाओं को लेने के अभ्यासी नहीं होते, वे अनेक तरफ रस लेने की कोशिश करते, तो फिर एक भी प्राप्ति नहीं होती, और एक बाप के साथ लगाने से अनेक प्राप्तियां होती है। हमारे कर्म और हमारी चलन औरों की पढ़ाई कराए, कोई भी बात में फेल ना हो, इसलिए सहज बात सुना रहे हैं। तो कोई भी बात में फेल ना हो, इसके लिए एक बात याद रखना, फॉलो फादर। साकार रूप में जो करके दिखाया वह फॉलो करो, तो कोई भी बात में फेल नहीं हो सकते। कहाँ भी जब फेल होने की बात सामने आए, तो यही याद रखना, फॉलो फादर कर रहा हूँ। जो इतने वर्ष साकार रूप में कर्म किए, वह एक शब्द भी सामने आ जाता है। तो जब फॉलो फादर करेंगे, तो जो भी कोई ऐसे कार्य होंगे, तो वह करने में ब्रेक आ जाएगी, जज करेंगे यह कर्म हम कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।